नमस्कार, आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। शराब कांड घोटाले में लोकसभा चुनाव से पहले जैसा अरविंद केजरीवाल बार बार कहते थे कि उन्हें ईडी गिरफ्तार कर लेगी, चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अपने संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने सबूतों को देखने के बाद उनको किसी तरह का संरक्षण देने से मना कर दिया और उसके बाद देर रात अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। और इस वक्त दिल्ली के सियासत में पूरा हड़कंप मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी समेत पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि वो एक एक कर अपने विपक्षियों को ख़त्म करना चाहते हैं और ईडी की कार्रवाई सिर्फ उन्हीं के खिलाफ हो रही है जो उनके विपक्ष में है। और वो लोग जिन पर ईडी और सीबीआई का पहले से कंजा कसता था, जब पाला बदल के उनके पाले में पहुँच गए तो अब कुछ नहीं हो रहा है। मैं एक बस में सवार हो गया सुबह जल्दी जल्दी और लोगों की राय लेने के लिए कि लोग क्या मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो हुई है उसको लेकर लोग सोचते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं पीछे से ही शुरू करता हूँ। आपको पता चला केजरीवाल गिरफ्तार? हाँ जी पता चला। कैसे पता चला? समाचार में, टीवी में। हाँ, उसी में पता चला। तो आपको क्या लगता है? जो गलत किया है तो गलत ही है, और क्या लगेगा? आपको लगता है केजरीवाल गलत किए? दारू शराब बिकवा रहे हैं एक के साथ एक फ्री, तो गलत तो है ही है। वो तो कह रहे हैं हमको गिरफ्तार किया चुनाव के लिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर शराब कहाँ से आ गया बीच में? शराब में घोटाला का आरोप है। फिर तो गलत तो करा ही है, घोटाला है चाहे बिकवाया है, कैसा भी किया तो शराब का ही मसले में पकड़े तो उसी के मसले में गए है ना। फिर तो आपको लगता है कि गिरफ्तारी सही हुई है? वो तो अब वही जानेंगे गिरफ्तारी सही है कि हाँ, मेरे हिसाब से तो सही हुई है। शराब को बंद कराना चाहिए। शराब को बंद कराना चाहिए। बहुत जनता शराब से मर रही, जी रही है, घर बर्बाद हो रहे हैं शराब की वजह से, और उन्होंने एक के ऊपर एक फ्री कर दिया तो गलत नहीं है? आप बताओ। अरे और भी तो कुछ फ्री किया है, उसी पे एक फ्री करके और क्या फ्री किया है? टिकट लिए है? हाँ जी, टिकट नहीं लिए हैं तो क्या, पास तो है, फ्री का है ना? हाँ जी, ये फ्री तभी मिलता है जब एक पर एक फ्री। सरकार को, किसी भी सरकार का, किसी भी प्रदेश सरकार का राजस्व आबकारी से आज के हिसाब से अगर आप देखें तो जीएसटी और के बाद एक्साइज से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है, जिससे सरकार अपनी विकास योजनाएं चलाती है। आपको क्या लगता है केजरीवाल को गिरफ्तार करके सही किया? सर, मैं तो ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देख रहा हूँ कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली घटना है और सर इससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, क्योंकि केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना कोई मामूली बात नहीं है। वो दिल्ली के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हैं और मैंने तो यही देखा है, यहाँ पर जो भी अच्छा काम करता है उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ उन्हें गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल का काम बहुत बढ़िया है। एक बात बताइए, और पीछे महिला कह रही है कि उस शराब में एक पे एक फ्री भिजवाते थे तो ये करते थे। अदालत गई थी ईडी, केजरीवाल गए थे, अदालत ने ईडी से कहा तुम्हारे पास कुछ सबूत है? सबूत दिखाया तो उन्होंने कहा भाई हम आपको संरक्षण नहीं देते। तो अदालत तो है ना सर। शराब से सबसे ज़्यादा टैक्स जाता है, ये शायद आपको मालूम होना चाहिए। गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा भी है। अगर उन्होंने इसमें कोई घोटाला किया है तो उनकी जाँच कराइए, जांच कराते हैं, अगर वो दंडनीय पाए जाते हैं या उनका कोई घोटाला है इसमें तो वो सजा के हकदार बनते हैं। अगर वो निर्दोष है तो गिरफ्तारी करने का कोई कारण नहीं बनता। तो अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है सुबह सुबह, लेकिन अभी कोर्ट अपना सारा रोज का जो लिस्टेड मैटर है देखने के बाद उनके मामले की सुनवाई करेगी। तो सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जनता क्या सोचती है? जो कुछ भी देखिए, कई बार अरविंद केजरीवाल भी ये कहते हैं, आम आदमी पार्टी भी कहती है कि PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ईडी के पास एक ऐसी शक्ति है जिसमें आदमी को गिरफ्तार करने में उनको कोई रोक नहीं हो सकती, लेकिन अब उस आदमी को अपनी तरफ से सफाई देनी पड़ेगी और नहीं तो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की तरफ लंबा समय तक जेल में भी रख सकते हैं। तो
अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में क्या होगा, आपको क्या लगता है? ये बताएं, मैं यहाँ दिल्ली का नहीं हूँ। अरे यार, कहीं के दिल्ली का नहीं है, इतना जानकारी तो है ना आपको, सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो गया, तो आपको क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा? जेल से सरकार चलाएंगे कि दिल्ली की सरकारें भंग हो जाएगी? भंग ही हो जाएगी, जब ये मुख्यमंत्री पकड़े गए हैं तो फिर काम कैसे, कौन करेगा फिर यहाँ पे? कोई और ही सरकार आएगी फिर तो, बीजेपी आ सकती है, अच्छा काम करती बीजेपी। ये जो गिरफ्तार किया है केजरीवाल को, वो काम ठीक है? अगर गलत किया है तो फिर तो काम ठीक है जी, अब इतनी जानकारी तो हमें नहीं कि उन्होंने गलत काम करा या नहीं करा, अगर गलत किया है तो फिर। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जो जो ईडी सीबीआई के शिकंजे में था वो बीजेपी की तरफ जब आ गया तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो छगन भुजबल तो 2.5 साल जेल में रहे थे, ईडी ने तो प्रॉपर्टी अटैच की थी जिन जिन नेताओं की, उनको तो मंत्री माननीय मंत्री डिप्टी सीएम बना दिया बीजेपी ने, और जो इधर है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। वही है, भ्रष्ट तो हर सरकार में आदमी है, लेकिन वही है कि जिसकी सरकार है थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है जिस चीज का जी। अच्छा, इसका फर्क क्या पड़ेगा गिरफ्तारी का? अब ये तो मैं कह नहीं सकता जी, आगे वाले जो मंत्री बनेंगे वो कम से कम आगे ध्यान देंगे, जो गलत काम करे तो गलत काम नहीं करने के बारे में सोचेंगे कि गलत काम नहीं करना भाई। अरे यार, अभी आप कह दिए गलत काम, अभी तो अदालत है, अभी तो दोष लगेंगे, अभी तो आरोप सिद्ध होगा, तब तक ना, अभी तो आरोप है। हाँ जी, आरोप है तो सही, वो तो कोर्ट बताएगी सही है क्या कर। केजरीवाल का काम सही है कि गलत? यहाँ जो कर रखा था सही कर रखा था, बस बसों में भी सुविधा अच्छी दे रखी है, लेडीज तो फ्री है बिल्कुल ही, आदमियों पे अत्याचार हो रहा है जी, कमावे भी आदमी है, पैसा भी आदमी भरे, औरतों के लिए तो अच्छा कर रखा दिल्ली में, और तो मुझे जानकारी ज्यादा नहीं है जी, आदमी तो हम तो जी टिकट देके जा रहे हैं जी, हम तो जी औरतों का फ्री है, औरत भी तो 1000 रुपया महीना भी ऐलान किए केजरीवाल कुछ दिन बाद देंगे। आप कहा कि आप दिल्ली में रहते हैं? केजरीवाल गिरफ्तार मालूम है? मालूम। क्या सोचते इसके बारे में? ये राजनीति पॉलिटिक्स पॉलिटिक राजनीति है, मादी हमारे हिसाब से सही नहीं है जो गिरफ्तार करा, गलत किया। हाँ, क्यों? अगर यही इसमें शामिल हो जाते बीजेपी में तो सब धुल जाते, और जो इतने बड़े करप्शन करे हुए हैं जो उनमें शामिल हो रहे हैं वो सब पाक साफ हो जाते हैं, जिनको खुद अपने मुँह से मोदी जी या और नेता जो कहते हैं कि इतना करप्शन करा, 2 दिन बाद ही उनकी पार्टी में शामिल होकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जैसे कि आप अजीत पवार का केस है इस तरह का, तो पब्लिक सब समझती है। अगर समझ रहे हैं? अगर 400 का मुद्दा कर दे, 400 पार, जब इतना भरोसा है तो इतने हथकंडे क्यों अपना जा रहे हैं एंड मौके पर? टाइम लाइन भी तो देखो ना, ये अगर ये चीज था, ये तो कम से कम साल भर से चल रहा था ये मुद्दा तो केजरीवाल का, तब से क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया? एक बात बताइए, अभी तक ये सोच रहे होंगे कि अभी ये मिल जाए डराने की कोशिश, नहीं मिले तो? अभी बीजेपी वाले इधर रात में केजरीवाल गिरफ्तार हुए, सुबह मैं लाइव देख रहा था। अरे आपको खराब लगा है? हमें तो खराब लगा। ये केजरीवाल रात में गिरफ्तार हुए, सुबह सुबह बीजेपी वालों ने उनका, संजय सिंह का, मनीष सिसोदिया का पोस्टर लगाया, बना जारी कर दिया कि चोर मचाए शोर। नहीं, ये बताओ जो और नेता हैं जो इनमें शामिल हो गए, दूध के धुले कैसे हो जाते हैं, जो सैकड़ों करोड़ का घपला करे, वॉशिंग मशीन है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर ये अब उसमें शामिल हो जाते तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते कल। लेकिन यही बात कह के कि अगर मान लो चलो उधर जो लोग गए, अब वो बीजेपी वाले कहते हैं भाई हमारी तरफ आ जाते हैं, तो ये अपने गलत आदत छोड़ देते हैं? नहीं, और ये लेकिन यही बात कह के अगर कोई पब्लिक सब समझ रही है, कोई खुल के कह देता, कोई खुल के नहीं कहता, क्योंकि सारे हथकंडे अपने हाथ में, सारे साम दाम दंड वेट सब अपना लिए मोदी सरकार इस टाइम, जो नहीं डरता खुल के कह देता। नहीं तो वो तो मोदी जी ने कहा था ना, खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब ये घपला जो खुल तो रहा है, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सब आ रहा धीरे धीरे सामने, इस टाइम इसी तरह पीएम केयर फंड का जिस टाइम आएगा मुद्दा, वो भी घपला खुलेगा। हम आम आदमी ना, आप देख ही खुद, लेकिन सब समझती है पब्लिक। अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन हम खुल के कह रहे हैं, बहुत ज्यादातर पब्लिक कह नहीं पाती। तो एक पर एक मेरी जो स्कीम लाए थे, और अभी एक महिला कह रही थी एक पर एक स्कीम ले आकर के किया भ्रष्टाचार किया, क्या सर? एक महिला बैठी थी यहाँ, कह रही थी एक पर एक किया। अब मैं उनके बारे में नहीं कह सकता, वो अपनी अपनी समझ है, पब्लिक है। अच्छा, अपना एक अपना बात मुझे बताइए, अगर आज की तारीख में मान लीजिए केजरीवाल जेल जाते हैं
और वो कह रहे हैं कि भाई हम इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से चलाएंगे सरकार। आप जब उनको गिरफ्तार कर सकती है केंद्रीय एजेंसी, तो एलजी तो सरकार भी भंग कर सकते हैं और 3 महीने 4 महीने में चुनाव हो सकता है दिल्ली में। तो दिल्ली में चुनाव अगर इस बात इस टाइम कानून का वो राज चल का रहा नहीं, तो अगर चुनाव होगा तुरंत 3-4 महीने में दिल्ली का, तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे छोड़िए यार, इम्पोर्टेंट बात यार। हाँ जी, हाँ क्या कह रहे सर? अगर केजरीवाल गिरफ्तार होकर जेल के अंदर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती और वो विधानसभा भंग हो जाती है कि भाई आप जेल से नहीं चला सकते मुख्यमंत्री जेल, ऐसा मैंने सुना तो है नहीं कानून में, ऐसा राइट तो है नहीं। अरे ऐसा हुआ कहा कभी? हाँ। कि सिटिंग सीएम जेल चला जाए और कहे कि हम चलाएंगे? हम भी सुनते हैं जैसे बुद्धिजीवियों की वो बातें, कानूनविदों की बातें सुन ले, ऐसा तो संविधान में है नहीं, बाकी करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। देखो अभी तक होता ये था कि नेता के ऊपर आरोप लगता था, और इस देश में तो ऐसे ऐसे नेता हैं कि रेल मंत्री थे, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हैं? इस आरोप में नैतिकता नहीं है सर। अब ये चले जा रहे हैं जेल, तब भी सर्वे करा रहे हैं कि हम जेल से चलाएंगे सरकार, तो है। अरे आरोप लग गया, आप गिरफ्तार हो गए तो आपको सबसे पहले इस्तीफा देना था, लेकिन चलो भाई उनका फैसला वो करे, क्योंकि वही अब पार्टी में अकेले हैं भी। अब ये देखो कांग्रेस का कल वो सारे अकाउंट बंद कर दिए। अरे हमारा पूरी बतिया, ये नैतिकता है? पूरी बतिया तो सुन लो गुरुजी, हम ये कह रहे हैं कि अगर विधानसभा भंग हो गई तो चुनाव अगर दिल्ली में हुआ तो फिर कौन जीतेगा? केजरीवाल ही आएगा सर, क्योंकि अब मोदी सरकार को भी दिख रहा है कांग्रेस जो आपस में मिल गए ना, इन्हें सरासर हार दिख लिया, इसलिए जो भी अब अपना सकते हैं अपनाओ। पब्लिक से सहमति, इनकी बात से आप सहमत हैं? हाँ जी, मुझे मालूम नहीं ना कुछ आपको है? नहीं, सही कह रहे हैं वो कुछ जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, अपनी अपनी समझ है। आपकी क्या समझ? नहीं मेरी क्या समझ, मैं तो दिल्ली रहता नहीं, मैं तो मेरठ रहता। कोई बात नहीं, कहीं रहते हो तो आँख नाक कान तो है। हाँ हाँ वो बात सही, खबर समाचार तो हर तरफ है। वो तो आपको भी पता है, आप बहुत बढ़िया पत्रकार है, मैं आपको यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, बहुत अच्छी पत्रिका करते हैं आप। हाँ तो कुछ राय भी तो दीजिए, ये सही हो रहा गलत हो रहा क्या हो रहा? बस सबको पता है, खुल के कोई कह रहा कोई नहीं कह रहा, वो बता रहे हैं सही कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि बदले की भावना से गिरफ्तार किए? नहीं बस ये तो सबको पता है क्या हो रहा, आप मेरे से क्यों खुलवा रहे हो? आप जानते हो सारी बात, सारे भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा रहा है। बस कोई भ्रष्टाचार है कोई नहीं है, ये तो सब जानते हैं आप, मुझे तो इतना राजनीति के बारे में पता नहीं। जो बीजेपी की तरफ है वही, बस वही है। लेकिन ये बीजेपी के जो खिलाफ है वो यही बोल के कि हम बीजेपी के खिलाफ, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है। नहीं हम आपकी बात नहीं कर रहे, जो नेता बीजेपी के खिलाफ है वो खाली ये कह दें कि हम बीजेपी के विरोधी हैं इसलिए हमको पकड़ा जा रहा है, इसलिए ऐसा तो नहीं है ना? वो नेता कहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ है, जो कहते हैं वो शायद ऐसा हो, उनको लगता हो क्योंकि वो खिलाफ होंगे तो उन्हें पकड़ा जा रहा है। हाँ तो आबादी देश की यानी महिलाओं की राय दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर क्या है? अब बस के मैं दूसरे हिस्से में हूँ, इधर महिलाएं ज्यादा हैं, अब इधर की कुछ, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। कुछ पता है क्या मतलब? कुछ पता चला क्या हाल दिल्ली का हाल है? अरे जाम तो रोज लगता, कल भी वहाँ उधर बंद था, हम परेशान हो गए बसों के चक्कर, हम काम यहाँ करते हैं, अब क्या काम कर पाएंगे? अरे यहाँ हम जाम पूछने आए हैं, केजरीवाल गिरफ्तार होगा मालूम ना कि नहीं? मुझे हम टीवी नहीं देखते, हम हमें फुर्सत ही नहीं होती इतनी। कोई बात नहीं, ये गिरफ्तार हुए तो ठीक हुआ कि गलत? मतलब आप बोलना क्या चाह रहे हैं मेरे को ये बताओ पहले। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा करा था। हा? नहीं बहुत अच्छा करा था उसने, काम अच्छा करा और क्या? कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रहे हैं? आगे उतरना मेरे को स्टैंड पे। अरे ठीक है, तो दो मिनट रुकिए, अभी स्टैंड पे टाइम है। हाँ टाइम है। केजरीवाल का काम अच्छा? और से क्यों नहीं बोलते हुए? मेरे पीछे पड़ गया कि नहीं है? सबसे बात करे। हाँ तो कर लो और किसी से। सुनो केजरीवाल का काम अच्छा है कि नहीं? केजरीवाल के काम पे बताओ, छोड़ो गुस्सा मत, गुस्सा मत करो, केजरीवाल के काम को। अरे सबसे पूछेंगे, देखो देखो आओ बैठो। अरे मोदी ने नहीं बंद कराया,
रोज आता है प्रगति मैदान पे। हाँ, मोदी कहाँ जाम लगवा रहे? अरे देश का प्रधानमंत्री जाम नहीं लगेगा, आएंगे तो रुके, सुरक्षा है ना। अब कोई इंसान का घर में क्या रखा है, खा लेंगे बैठ के, हम काम करते हैं, फ्री में नहीं आते ऐसे ही। 5 किलो अनाज नहीं दे रहे हैं मोदी जी? तो दे रहे का, फ्री में दे रहे हैं तो ना, फ्री में दे रहे, पिसाई तो जाती है उसका, वो कौन ला के देगा? अब पिसाई भी दे। अरे अरे भाई भाई, बहुत ज्यादा गुस्से में है, ट्रैफिक जाम में बहुत गुस्से, समय पर नहीं पहुंच पाई है, गुस्सा हमारे पे उतार रही। खैर, जब आप जनता से बात करते रहते हैं तो ऐसा होता रहता है। आप कहाँ के रहने वाले? हम यूपी से रहने वाले भैया, यूपी। यूपी रहते दिल्ली में है? यूपी में। अच्छा, कोई बात नहीं, ये दिल्ली में रहो चाहे यूपी में रहो, या बस में पूछ के थोड़ी नहीं आए कौन कहाँ का है। आपको क्या लगता है, ये केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है कि गलत? अब हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ना कोई जानकारी है हमें, मालूम ही नहीं कि गिरफ्तार हुए, कुछ नहीं पता। तुम्हारा क्या विचार है जी? मुझे लगता है ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि सही है या गलत है, पर मुझे लगता है समय सही नहीं है ये ऐसे स्टेप्स के लिए। इलेक्शन बहुत पास आ चुके हैं और इस समय पे ऐसे बड़े कदम उठाना, क्योंकि अगर विरोधी पार्टी ही नहीं रहेगी तो इलेक्शन का क्या मतलब होता है फिर? आपको लगता है कि विरोधी दलों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? हाँ, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि सरकारी संस्थाएं जितने भी ऐसे केसेस आ रहे हैं सब विरोधी पार्टियों में से ही आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अभी जो सरकार में लोग हैं वो सब अच्छे ही हैं? सोचने वाली बात लगती है मुझे तो। लेकिन भ्रष्टाचार जो लोग किए उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो? होनी चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। मुझे लगता है कि एक्सट्रीमिज्म हो रहा है ज्यादा। कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। सरकार आ जाएगी कि नहीं? सरकार तो आएगी, इस तरह से तो जरूर आएगी सरकार, कोई बचेगा ही नहीं लड़ने के लिए, तो सरकार तो आएगी। 400 पार आएगी सरकार तो, 400 पार आएगी बहुत आराम से, सबको जेल में भेज के। अब वो उनके अपने तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने काम खराब किया है, पर अगर कुछ भी गलत हो उसके खिलाफ सवाल तो उठाना ही चाहिए। अच्छा भाई, आप कहाँ रहते हैं? अशोक नगर, दिल्ली में। दिल्ली में? तो ये जो केजरीवाल की गिरफ्तारी को आम लोग सुबह सो के आप उठे होंगे, पार्क गए होंगे, दूध लेने गए होंगे, सब्जी लेने गए होंगे, तो आम लोगों के बीच में आज क्या चर्चा चल रही है? ये इसकी गिरफ्तारी सही हुई है, इसने घोटाले कर रखे हैं, ये दुनिया भर के बताता है, मैंने नाले करवा दिए, वो करवा दिए, पानी बारिश होती है पानी बाहर नहीं निकलता उनका, नालों से पानी बाहर नहीं निकलता, भरा रहता है वहीं पे ही, जो उनसे ये कहता है मैंने नाले बनवा दिए, ये करवा दिया, वो करवा दिया। अरे हमें ये नाला तो चलो ठीक है, अभी गिरफ्तारी पे क्या लोग बोल रहे हैं? गिरफ्तारी सही हुई है, अब से पहले होनी चाहिए थी गिरफ्तारी तो इसकी, अब से पहले होनी चाहिए थी गिरफ्तारी, लेट हो गया। हाँ, कानून अपना हिसाब से सही काम करना चाहिए, इसने कितनी बार ये समन आया, इसने सबको ठुकरा दिया, इसने 9 बार समन ठुकरा, 10वें बार पे 10वें सनम वो समन आया तब जाके ये गिरफ्तार हुआ है। जो भी हो रहा है कानून अपना हिसाब सही कर रही है, जैसे भी है, जिसने घोटाला कराया है वो तो उसका जवाब देना ही पड़ेगा उसको। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज रानी है। राज रानी, राजकुमारी जी और राज रानी, अभी इनका देखिए स्टेशन आया नहीं, तब से गुस्सा हो रही थी। लाजपत नगर उतरेंगी ना? पेंशन आ रही है? अरे कहाँ आ रही, नहीं आ रही, वो मैंने बात क्या मैंने कराई है, वहाँ जाते हैं हम तो मना कर देते हैं, अभी नहीं चालू है। कौन बन कराया पेंशन? मेरा नाम राज रानी है। राज रानी, राजकुमारी जी और राज रानी, अभी इनका देखिए स्टेशन आया नहीं, तब से गुस्सा हो रही थी। लाजपत नगर उतरेंगी ना? पेंशन आ रही है? अरे कहाँ आ रही, नहीं आ रही, वो मैंने बात क्या मैंने कराई है, वहाँ जाते हैं हम तो मना कर देते हैं, अभी नहीं चालू है। कौन बंद कराया पेंशन? तुम्हें पता होगा किसने बंद कराया?
सिलेंडर सस्ता हुआ ना तो क्या सब सिलेंडर को ऐसे पी जाएंगे उसको ऐसे खा जाएंगे उसको? जब राशन घर में नहीं होगा तो सब्जी नहीं होगी तो कहाँ से लाएंगे? हाँ राज रानी जी आप बताइए, इनको आज ऑफिस काम पे जाने में लेट हो गया, इस बड़ा गुस्से में है और उधर जाम लग गया तो और जाम लग गया तो कह रहे हैं रोज मोदी आता है प्रगति मैदान जाम लगाता है। तो एक बात बताइए, आपको क्या लगता है केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बारे में, आपको पता है? हाँ जी पता है, कल बंद हुए हैं। तो आपको क्या लगता है ये गलत है? क्यों? केजरीवाल ने इतने काम किए हैं फिर उसको पकड़ा जा रहा है? मतलब भ्रष्टाचार भी कता आरोप है? भ्रष्टाचार तो सभी नेताओं पे आरोप है, सबको क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते? मोदी पे भी भ्रष्टाचार है, मोदी को क्यों नहीं कर लेते गिरफ्तार? मोदी जी पे कौन सा भ्रष्टाचार है? समाचार में सुनते हैं हम तो। ऐसा कौन समाचार आप सुन रही हैं? हम तो समाचार में ही सुनते हैं, आप हमें भी गिरफ्तार करवाओगे? पत्रकारों को भी डाल रखा है जेल में इसलिए हमें इससे ज्यादा जानकारी नहीं। आपको ऐसा लगता है कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाए? हाँ बिल्कुल गिरफ्तार कर रहे हैं। कितने पत्रकारों को गिरफ्तार किया है, बोलने वालों को जो आवाज उठाते हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। लोकशाही है कि तानाशाही है? अब ये तो आप जानो, राजनीति तो हम भी नहीं जानते, पर ये उनकी गिरफ्तारी गलत है केजरीवाल की। अगर मान लीजिए उनके गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में अभी चुनाव होगा तो क्या होगा? ये तो भगवान जाने क्या होगा। भगवान जाने कि जनता जाने? हाँ जनता ही जाने, जो जनता उनके मतलब फेवर में है तो वो उनको वोट देगी, उनके खिलाफ है तो वो। आपको केजरीवाल ये फ्री में जो बस किया है महिलाओं को वही? नहीं नहीं नहीं, हमारा बस का सफर कोई इतना नहीं है, हम घरेलू हैं, घर में रहते हैं, इससे कुछ नहीं है। फिर भी दवा गोली में जैसे बाजार से पहले दवाई लेने जाते थे पर्चे भी लिख लेते थे दवाई नहीं है बाहर से लो, अब वो सारी दवाइयाँ वहाँ मिलती हैं हॉस्पिटल में। हार्ट पेशेंट की कितनी महंगी दवाई मिलती हैं तो गरीब आदमी कहाँ से लेगा? हमारा कम से कम 10-12 साल से ज़्यादा हो गए हार्ट का इलाज चलते हुए, तो पहले हम बाजार से लेते थे अब हमें वहीं मिलती है हॉस्पिटल में फ्री। हाँ फ्री। तो लोग तो कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक में भी पता नहीं कि बहुत भ्रष्टाचार, क्लिनिक में भी फ्री मिलती है दवाई? वो तो कई LG साहब लेटर लिखे थे कि CBI जांच करो क्या करो, बहुत फर्जीवाड़ा पता नहीं जी। अभी ये पिछले महीने हम दवाई लाए थे हमें तो फ्री मिली। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी की सरकार अच्छा काम कर रही है कि केजरीवाल जी की? पता नहीं जी। पता नहीं हमें, मोदी ये केजरीवाल का काम सही है। आप बताइए। मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है इस बारे में, मेरी तो तबीयत ही खराब है। समाचार में सुनते हैं पर केजरीवाल जी को गिरफ्तार करा गलत है। आपने राय पूछी है, पर्सनल ओपिनियन, आप डिटेल में मत पूछिएगा। अच्छा बस वो ये खाली इतना आप कहना चाह रही है कि ये गलत। आप क्या करती हो बेटा? सर स्टडी करती हूँ। कहाँ? जयपुर। जयपुर। जयपुर आई हूँ मैं तो यहाँ पे घूमने, मौसी के यहाँ आई हूँ। कोई बात नहीं यार, तो दिल्ली में पूरे देश के लोग आते हैं। क्या विचार है केजरीवाल जी पर, कुछ विचार है तुम्हारा? जी सर वैसे तो देखो ये गलत ही है क्योंकि उनके खिलाफ उन्हें कोई सबूत नहीं मिला है अभी तक तो। सबूत है कि गिरफ्तार हो गए? और क्या, रात न्यूज तो सुनी होगी आपने भी, उसमें बताया तो है उनके घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं मिला है। तो आपको क्या लग रहा है क्यों गिरफ्तार हुए? सर ये तो मैं कैसे बता सकती हूँ, फिलहाल तो चुनाव आ रहे हैं ये तो आप भी जानते हो। तो अब मैं बस का सफर करते करते यहाँ आ गया नेहरू नगर, यहाँ बस स्टैंड पर कुछ लोग हैं। रुकिए कहाँ जा रहे हैं? क्या ड्यूटी जा रहे हैं सर? कोई बात नहीं, ये दिल्ली में रहते हैं ना? हाँ जी हाँ जी। केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया मालूम है? हाँ मालूम है सर, मालूम है जी। ठीक किया गलत किया? अब ठीक गलत तो ये तो प्रशासन जाने, हम और आप क्या जाने। तो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं ना कि चुनाव आया इसलिए हमको कर रहे हैं, इस मामले में साहब कुछ नहीं कह सकें। हाँ जी एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा आप कुछ बताएंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, आपको कुछ राय है? नहीं कोई राय नहीं सर, क्या राय दें हम बताएं।
नहीं हमारी। आम आदमी क्या सोचता है सड़क पर, बिल्कुल आम लोग क्या सोच रहे हैं आज की सियासत के बारे में, ये विरोध? नहीं हम नहीं, मैं कुछ नहीं सोचता। प्लीज क्यों डर लगता है? नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है, डरना की बात से डर किस बात का हमें बताइए। तो आदमी को राय तो रखनी चाहिए कि गलत नहीं है, हमारी राय गलत सही है, अपना हमारी राय नहीं है, डर किस बात का? आप डरेंगे क्यों? हम पता नहीं माइक वाइक पे बोलने से कोई नेता से जान पहचान हो या कहीं ऑफिस में काम करते हो, कोई कह दे कि वहाँ बोल रहे थे? अरे नहीं नहीं नहीं, अपना फ्री, हम तो फ्रीलांसिंग है, हम लोग को लेना देना नहीं किसी चीज से ऑफिस से। अरे केजरीवाल की सरकार काम ठीक कर रही है? हमें कुछ नहीं मालूम, मैं पॉलिटिक्स में हुई नहीं। इसमें है नहीं मतलब ही नहीं ना हमारे चीज से। क्या करते? हम कुछ भी करते हो। अरे आप काम धंधा क्या करते, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अरे हाँ जी, हाँ नमस्ते, बोलिए। आप बहुत अच्छे लगते हैं टीवी पे जब बोलते हैं तब। ऐसे नहीं लग रहे अच्छे? तभी तो मैंने देख के रुके, हमने सर खड़े में नहीं ला, थोड़ा देख ले माहौल क्या है, क्या आते हैं माहौल क्या? हाँ माहौल क्या है? हाँ माहौल बढ़िया है, केजरीवाल सही जगह गया, अपनी जगह उसे जाना भी चाहिए। जेल जेल? हाँ जी, कभी जीवन में छूटा बढ़िया रहेगा। अच्छा, अरे एक के साथ चार चार पौआ साथ, सब बर्बाद कर दिया दिल्ली के, जो एक पीता था वो चार चार पौआ पीता था, बहुत बुरा हाल है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मैं भी ऑटो ही चलाता हूँ, मैं भी ऑटो ही चलाता हूँ। पहले तो ऑटो वाले बड़े दीवाने हुए फिर रहे थे, पहले हुए थे इसकी बातों में आके, जब आप इसको 10 साल में जान गए ना किसकी करतूत क्या है, सब ऑटो वाले सब खिलाफ है। और किसके साथ है? अब सब बीजेपी के साथ, सातों की सातों बीजेपी। ये सही कह रहे हैं, ये अपना मत है ये तो। आपका क्या? वो तो समय आएगा तो बताएंगे सर। जैसे अभी ये कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार किया सही किया, जिंदगी की कह रहे जिंदगी भर न छूटे, आप क्या मानते हैं? नहीं वो तो किस केस में गिरफ्तार किया जा रहा है वो तो सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम, ये हमारा जनता का थोड़ी हक है। तो सरकार का कौन गलती क्या करेगा, मैं गलती करूँगा? मुझे गिरफ्तार? केजरीवाल का काम कैसा है? काम ठीक ठाक है, ठीक है काम। हाँ क्या बोल रहे? अच्छा आप जो कैमरा का नाम बताना। अरे आपको मैं जो देख करके, जब मैं छोटा था कॉन्वेंट में पढ़ता था एक क्रिश्चियन स्कूल में, तो एक सिस्टर मतलब टीचर हमारी जो थी वो आप ही की तरह थी। आप भी टीचर है क्या? नहीं नहीं, नर्स थी। हाँ नर्स। ओ मेरा अंदाजा सही निकला, केरला से। नहीं मैं कहाँ रहती आप? फेस टू। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स है? अभी रिटायर्ड हो गया। अब तो कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं। मैं सिर्फ आज निकला ये जानने के लिए ये केजरीवाल को अरेस्ट किया सही किया गलत किया? गलत किया। हा? गलत किया। क्यों किया वैसे? मैं इतना पॉलिटिक्स में नहीं है वैसे, केजरीवाल सही आदमी था। सही है केजरीवाल को, सही आदमी है वो, तो गलत कर दिया। हा? जो किया उनका किया गलत है। लगता है केजरीवाल को गिरफ्तार किया सही है गलत है? मेरे हिसाब से तो सही है। इलेक्शन डिक्लेयर करने के बाद ये सब कैसे कर सकते हैं? एक बार तो इलेक्शन डिक्लेयर करने के बाद कोई ऐसे नहीं चलना चाहिए था, 2 महीने के बाद तो कुछ भी कर सकता था, अब तो गलत कर दिया 100%। अरे केजरीवाल को गिरफ्तार किया सही किया गलत किया? गलत किया। हा? गलत किया सर, कि जो हम लोगों का फ्री बस चलाया, सब कुछ करा, हम लोगों का बहुत सुविधा मिला, गलत करा है। चलो ठीक, मैंने आपको थोड़ी राय दिखाई। शाम को दिल्ली के अलग अलग इलाकों से केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या बोली दिल्ली की जनता, लेकर फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन कालीकांत के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 दिल्ली।